हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड फूड्स यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ज्योति और आज हम बनाने जा रहे हैं पोटैटो सेसमी रोल्स। आलू सबका फेवरेट होता है, बच्चों से लेके बूढ़ों तक, और पोटैटो तो फ्रेंच फ्राइज खा खा के बहुत बोर हो चुके हैं, तो कुछ आज इनोवेटिव ट्राई करते हैं। तो इसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स बहुत मिनिमल चाहिए रहेंगे। लेट्स टेक बॉइल पोटैटो, ग्रीन चिली, कोरिएंडर, डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर, नारियल का भूरा, सिसमी, तिल, लेमन जूस, ब्लैक पेपर, बिट गार्लिक, सोया सॉस, नमक और मैदा। लेट्स स्टार्ट। हम पहले आलू लेंगे। आलू को बॉईल करके ठंडा रखना होता है ताकि फिर वो टूटेगा नहीं वाई शैलो फ्राइंग, और इसे अच्छे से मैश कर देते हैं हम। ओके, अच्छे से अब मैश हो चुका है। अब इसमें हम सारे कॉन्डिमेंट्स ऐड करेंगे। ग्रीन चिलीज, थोड़ा सा गार्लिक, काली मिर्च पाउडर, आप चाहे तो लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, नींबू, थोड़ी सी सोया सॉस, नमक, थोड़ा सा नारियल का भूरा या कोकोनट पाउडर, ये आपको आसानी से मिल जाएगा। आप इसकी जगह पे फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको बहुत सिंपल रखा है, तो आप इसमें चाहिए तो अपनी पसंद के शक्करकंदी, ग्रेटेड गाजर, ग्रेटेड बीन्स, मटर, कुछ भी ऐड कर सकते हैं, पर मुझे बहुत बेसिक रखना था। ओके, हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ध्यान रखिए कि इसको बहुत बहुत ज़्यादा ओवर मैश ना कर दें, अदरवाइज तो उसको रोलिंग में प्रॉब्लम आएगा। इसे आप अच्छे से इतना ही मैश कीजिए कि सारे इंग्रेडिएंट्स इवनली स्प्रेड आउट हो जाए। अभी इसका ये बन चुका है। अब हम इसे रोल्स का शेप देंगे। आप इसे नॉर्मली चाहिए तो टिक्की भी बना सकते हैं, किसी तरीका का भी आकार दे सकते हैं। मैंने सोचा है कि मैं इसे सिलिंड्रिकल रोल शेप में डालूँगी, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, पहले तिल को एक प्लेट में फैला दूँगी अच्छे से, और थोड़ा सा आटा हाथ में ले लूँगी, और इसमें अभी हम एक थोड़ा सा पोटैटो का मिक्सचर लेंगे और उसे सिलेंडर के शेप में रोल कर देंगे। अगर आपको लगता है कि आपसे बाइंड नहीं हो रहा, तो आप इससे ज़्यादा मैदा भी ऐड कर सकते हैं, और इसे आप साइड से ऐसे थोड़ा सा दबा दीजिए ताकि इसे सिलेंड्रिकल शेप आ जाए। अब हम इसे तिल के में अच्छे से रोल कर देंगे ताकि इट्स कवर्ड इवनली, और फिर इसे आप साइड कर दीजिए। ऐसे ही हम दूसरे भी बनाएंगे। सो देखा आपने, हमने सब रोल्स तिल में रोल करके रख दिए हैं। अब मैंने तेल भी गर्म करने रख दिया है। तो फाइनल टच जो बाकी है, उसे एक बार कोकोनट पाउडर में रोल करना है और फ्राइंग के लिए रख देना है। आई विल कीप इट फॉर अ वाइल, क्योंकि मेरा तेल अभी तक ज़्यादा गर्म नहीं हुआ है। लेट मी जस्ट ट्राई। नहीं, तेल अभी गर्म होने बाकी है। जब भी आप शैलो फ्राई या डीप फ्राई कर रहे हो, आपको ध्यान में रखना होगा कि तेल का टेम्परेचर एकदम बराबर होना चाहिए, अदरवाइज़ आपके जो रोल्स हैं या कटलेट्स हैं वो टूट सकते हैं। कभी भी आप ऐसे फेस करें कि आपकी टूट रही हैं या कुछ बाइंडिंग बराबर नहीं हो रही है, छोटा सा टिप है, उसके साथ कुछ भी आप कॉर्नफ्लोर या मैदा या बेसन आपके पास हो, उसमें फिर से आप डाल के फिर से रोल करके कीजिए, इट विल वर्क। सो मेरा तेल गर्म हो चुका है। इट्स स्टार्ट। 3 से 4 ही डालेगा एक साथ, सब साथ में होंगे तो दे विल नॉट गेट फ्राइड। हम मैंने सिर्फ 4 ही डाले हैं। आप अगर चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, या अगर आपको चाहिए इनको बेक करना है तो आप माइक्रोवेव ओवन में 200 डिग्री पे इसे 15 से 20 मिनट तक बेक भी कर सकते हैं, या जब तक ये सुनहरे ब्राउन नहीं हो जाते। जैसे आप देख सकते हैं ये प्रॉपर इवन गोल्डन ब्राउन होना चाहिए। अगर तिल थोड़े छूट भी रहे हो तो ज़्यादा घबराएगा मत, सोखे। आप जैसे देख सकते हैं काफ़ी अच्छे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसे टिश्यू पेपर पे निकाल देंगे। ओके, सो आप देख सकते हैं कि मेरे सारे पोटैटो रोल्स फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इन्हें सर्व कर रही हूँ। ये आप किसी
भी चटनी या टमेटो केचप के साथ खा सकते हैं, पर मुझे थोड़ा डिफरेंट ट्विस्ट देना था कि मैंने डिप बनाया विथ दही, विथ गार्लिक, कोरिएंडर, टमेटो केचप, रेड चिली पाउडर और सॉल्ट। बहुत सिंपल सी है, ज़्यादा इसमें बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, पर मुझे थोड़ा सा ट्विस्ट देना था। सो इट इज़ रेडी टू सर्व। अब मैं इसमें थोड़ा सा चीज स्प्रिंकल करूँगी, इससे थोड़ा सा चीज़ी फ्लेवर भी आएगा। आलू और चीज़ का आप जानते हैं क्लासिक कॉम्बिनेशन है। और थोड़ा सा कोरिएंडर। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ रेडी टू सर्व पोटैटो सेसमी रोल्स। आई एम श्योर ये आपके घर वालों को, फ्रेंड्स को बहुत पसंद आएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऐसे ही आपको अगर झटपट रेसिपीज और क्विक रेसिपीज चाहिए, प्लीज़ क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन बिलो।